हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं अंजनी और आज मैं आप लोगों के साथ कटहल के अचार की रेसिपी शेयर करने जा रही हूं। कटहल का अचार खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है और इसे मैंने बिल्कुल पारंपरिक तरीके से लगाया है, जैसे कि हमारे घरों में लगाया जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, और अगर वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल दिलचस्प रसोई ऑल इन वन को सब्सक्राइब कर लें। कटहल का अचार लगाने के लिए यहाँ पर मैंने पानी को गर्म होने के लिए डाला हुआ है। अब हम इसमें कटहल को उबालेंगे। तो फ्रेंड्स, ये देखिए कटहल को मैंने लिया हुआ है और इसका जो पीछे वाला ग्रीन का पोर्शन होता है वो मैंने हटा दिया है, और आगे वाला जो पोर्शन होता है वो हमने हटा दिया है, क्योंकि ये दोनों ही चीज़ें जो होती है वो अचार में यूज नहीं होती है। इसके साथ ही मैंने रेशे वाला कटहल लिया है, और जब रेशे वाला कटहल आप लेते हैं तो उसका जो बीज होता है वो बहुत सख्त हो जाता है, तो उस बीज को भी आप हटा दीजिए अचार डालने से पहले, नहीं तो वो बीज जो है जल्दी पकता नहीं है और फिर जो आपका अचार है वो खराब होने का डर रहता है। तो इसलिए हमेशा बीज को निकाल करके आप अचार लगाइए, और इसी तरीके के रेशे वाले कटहल का आप अचार लगाइए तो आपका जो अचार है बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनेगा। तो अब हम इन सबको उबाल लेते हैं। तो यहाँ पर पानी हमारा हल्का सा गुनगुना हो चुका है। अब सारे कटहल को हम इसमें डाल देंगे और लगभग 50% हम इसे उबाल लेंगे। हमें ज़्यादा नहीं उबालना है, 50% हमें इसे कच्चा रखना है और 50% हमें इसे उबाल लेना है। तो सारे कटहल को मैंने इसमें डाल दिया है। अब इसी तरीके से चलाते हुए हमें इसे अच्छे से उबाल लेना है। 10 मिनट हम इसे ढक देंगे और बीच बीच में हम इसी तरीके से इसे एक से दो बार पलट लेंगे ताकि ये अच्छे से उबल जाए। तो अब मैं इसे ढक दे रही हूँ। तो फ्रेंड्स, अब जो हमारा कटहल है वो 70% तक उबल चुका है। तो अब हम गैस के फ्लेम को ऑफ कर देंगे, और यहाँ पर मैंने आम को काट करके रखा हुआ है, ये देखिए छोटे छोटे पीस में, क्योंकि जब तक हम अचार में खट्टा नहीं कुछ डालेंगे तब तक जो हमारा अचार है वो टेस्टी नहीं बनेगा। तो अभी आम का सीजन है इसलिए मैं इसमें आम डाल रही हूँ, लेकिन अगर आपके पास आम नहीं है या फिर जब आप बिना आम के मौसम के बनाए इस अचार को तो फिर आप आमचून पाउडर का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सारे कटहल को निकाल करके अब हम अलग रख लेंगे और इसे 2 घंटे के लिए धूप में डालेंगे सूखने के लिए, ताकि जितना भी इसके अंदर का मॉइस्चर है वो सब निकल जाए, और आम को भी हम साथ ही में डालेंगे सूखने के लिए। सो फ्रेंड्स, ये देखिए 2 घंटे के बाद हमारा कटहल और आम दोनों ही चीज़ें अच्छे से अब सूख चुकी है, और इसके अंदर का जितना भी मॉइस्चर था वो अब सब खत्म हो चुका है। तो अब हम अचार बनाना स्टार्ट करते हैं। इस तरीके से अगर आप मॉइस्चर पूरी तरह से हटा देते हैं अचार बनाने के लिए तो आपका जो अचार है वो जल्दी ख़राब नहीं होगा। तो अब यहाँ पर हम ऐड करेंगे हल्दी का पाउडर। तो हल्दी का पाउडर यहाँ पर हम 4 चम्मच इस्तेमाल कर रहे हैं, 4 छोटे चम्मच। अब हम इसमें डाल देते हैं नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग। अचार में थोड़ा सा नमक ज़्यादा ही लगता है, तो यहाँ पर हम 4 चम्मच नमक भी ऐड कर लेते हैं, क्योंकि हमने इसमें आम भी डाला हुआ है तो ये अचार जो है अच्छा से खट्टा हो जाएगा आम की वजह से। और अब हम इसमें हल्का सा तेल डालेंगे, 1 चम्मच के करीब हम इसमें तेल डालेंगे, कच्चा तेल। यहाँ पर हम कच्चा तेल इस्तेमाल कर रहे हैं 1 चम्मच, ताकि अचार जो है वो अच्छे से मसाले अचार के इसमें मिक्स हो जाए। बाद में हम गरम करके तेल इसमें ऐड करेंगे। तो ये देखिए अब सभी चीज़ों को आप अच्छे से मिक्स कर लीजिए इसी तरीके से। तो ये देखिए नमक और हल्दी अच्छे से मिक्स हो चुका है। तो अब थोड़ी देर के लिए हम इसे ऐसे ही छोड़ देते हैं, और अब हम अचार के जो मसाले पड़ेंगे हमारे अचार में उसकी तैयारी कर लेते हैं। तो यहाँ पर के लिए मसाला तैयार करेंगे। तो मसाला तैयार करने के लिए सबसे पहले हम डालेंगे सरसों। तो यहाँ पर लगभग 2 चम्मच मैं सरसों डाल रही हूँ, 1 चम्मच कलौंजी के दाने, 1 चम्मच अजवाइन। यहाँ पर हम 3 से 4 चम्मच धनिया का इस्तेमाल करेंगे, 1 चम्मच मेथी के दाने, 1 चम्मच सौंफ, और सभी चीज़ों को अब हम हल्का सा भून लेंगे। तो यहाँ पे सभी चीज़ों को हम भून लेते हैं। मसाले आप कम या फिर ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आप ज़्यादा मसालेदार अचार खाना पसंद करते हैं तो आप ज़्यादा मसाले डालिए, और कम मसालेदार अचार पसंद करते हैं तो कम मसाले डालिए। तो सारे मसाले भून चुके हैं, अब हम इसे ठंडा होने देंगे
और ठंडा होने के बाद मिक्सी के जार में डाल करके हम इसे अच्छे से पीस लेंगे। जार में मैंने यहाँ पे डाल दिया है, तो अब हम इसे पीस लेते हैं। मसालों को मैंने अच्छे से ग्राइंड कर लिया है, तो अब हम अपना अचार बनाना स्टार्ट करेंगे। मसाले भून के पीस करके तैयार किए हैं, उसको हम इसमें डाल देते हैं। और ये देखिए यहाँ पे अब हमारा जो अचार है वो बहुत ही ज़्यादा मसालेदार दिख रहा है, तो इसे भी हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब हम इसमें लाल मिर्च का पाउडर डालेंगे, क्योंकि लाल मिर्च को हमने नहीं भुना था, और बिना तीखा के जो हमारा अचार है वो कंप्लीट नहीं होगा। तीखा और चटपटा तो हमारा अचार होना ही चाहिए, तो थोड़ा सा इसमें हम लाल मिर्च का पाउडर ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ पर लगभग आधा चम्मच हम लाल मिर्च का पाउडर भी ऐड कर दे रहे हैं। बाद में अगर आप चाहें तो इसमें हरी मिर्च को काट करके सूखा करके भी डाल सकते हैं, उससे भी आपका अचार काफ़ी चटपटा हो जाएगा। लाल मिर्च के साथ साथ आप हरी मिर्च को भी डाल दीजिए। मैं वैसा ही करने वाली हूँ, इसलिए यहाँ पे थोड़ा सा मैंने लाल मिर्च कम इस्तेमाल किया है। बाद में आपके पास यहाँ जब भी हरी मिर्च आए तो आप उसको दो भाग में डिवाइड कर दीजिए और थोड़ी देर के लिए उसे धूप में डाल दीजिए, 2 से 3 घंटे सूखने के लिए, और उसके बाद आप इस अचार में मिक्स कर दीजिए। तो ये अचार भी ख़राब नहीं होगा और हरी मिर्च भी इस अचार में आ जाने से इसका जो टेस्ट है वो दुगना हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे लाल मिर्च का पाउडर हम कम इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर आप हरी मिर्च नहीं डालना चाहते हैं तो फिर आप लाल मिर्च के पाउडर का जो मसाला है वो थोड़ा सा ज़्यादा डाल दीजिए। तो हमारा अचार है वो अच्छे से मिक्स हो चुका है, आपको मैं नज़दीक से दिखाती हूँ। तो अब हम इसमें डाल देते हैं तेल और हींग, और ये लास्ट प्रोसेस है, उसके बाद हमारा जो अचार है वो कम्प्लीट हो जाएगा। अचार के लिए तेल गर्म करेंगे, तो यहाँ पर मैंने एक पैन ले लिया है, पैन में हम डाल देते हैं तेल। और अब हम इसमें हींग डालेंगे ताकि हींग जो है सो अच्छे से पक जाए तेल के अंदर। उसके बाद जब ये ठंडी होगी तब हम इसे अचार में ऐड करेंगे। तो अब हम इसे थोड़ा सा गर्म करके और फिर ठंडा होने देते हैं, फिर मैं आगे दिखाऊंगी आपको अचार में इसको मिक्स करके। फ्रेंड्स, हमने जो तेल गर्म किया था अब वो ठंडा हो चुका है, तो अब हम इसे अचार में डालेंगे। अचार में आपको इसी तरीके से तेल को गर्म करके और फिर ठंडा करके डालना है। अब तेल को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर तेल को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है, और अभी मैं इसमें और तेल नहीं डालूंगी, क्योंकि जब अचार धीरे धीरे गलता है तो फिर जो तेल है वो ऊपर आ जाता है। तो अगर आपको तेल कम लगे तो फिर आप इसमें और तेल ऐड कर सकते हैं, और नहीं तो इसी तरीके से आप 15 से 20 दिन तक इसको पकने दीजिए, और उसके बाद अगर आपको तेल कम लगे तो फिर आप उसको गर्म करके ठंडा करके इसमें ऐड कर दीजिए। तो 15 से 20 दिन हमें इसे धूप में डाल देना है, उसके बाद जो हमारा अचार है वो रेडी हो जाएगा। और ये अचार जो है सो सालों साल चलता है, ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता है। तो अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और मेरे YouTube चैनल दिलचस्प रसोई को सब्सक्राइब कर लें। सो फ्रेंड्स, टेक केयर एंड गुड बाय, फिर मिलेंगे एक न्यू वीडियो के साथ।